वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे करारी कुरकुरी भिंडी। ये बहुत ही टेस्टी और क्रंची होती है खाने में और बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है बनाना इसको। और कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए हमें चाहिए भिंडी। भिंडी को हम अच्छे से धुल के और किचन टॉवल से पोंछ के रख लेंगे और फिर हम इसको कट करना शुरू करेंगे। पहले हम इसके दोनों साइड से इसको काट लेंगे और फिर हम इसको हाफ़ करेंगे और फिर हाफ़ करेंगे, फिर उसमें तीन स्लाइस करेंगे। और ऐसे ही हम सारी भिंडी को धीरे धीरे करके एक एक करके काट लेंगे। भिंडी को काटने में ही जो भी मेहनत है बाकी बहुत ही आसान है बनाना। और एक एक करके काट के और उसकी सीड्स को हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो निकालें, आप चाहें तो ना निकालें। अगर भिंडी थोड़ी कच्ची है तो आप नहीं भी निकाल सकते हैं, और भिंडी आपकी ज़्यादा पक चुकी है तो आप सीड्स निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सारी भिंडियों को हमने यहाँ पे काट लिया है और कुछ सीड्स को निकाला है, कुछ को नहीं निकाला है। और अब हम उसके लिए मसाले तैयार करेंगे, जिसमें हम लेंगे आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच हल्दी पाउडर एंड आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर एंड जीरा पाउडर, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर एंड आधा चम्मच अमचूर पाउडर अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच चावल का आटा, दो बड़ा चम्मच बेसन एंड आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें कॉर्न फ्लोर। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम नमक नहीं डालेंगे अभी। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम चलेंगे भिंडी की तरफ और भिंडी पे मसालों को धीरे धीरे स्प्रिंकल करके मिला लेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा करके मसाला मिलाएंगे और इसको हम चम्मच से या हाथ से या टॉस करके या किसी भी तरीके से जैसे आपको आसान लगे वैसे आप मिला सकते हैं। और फिर हम पलट पलट के इन पे अच्छे से मसालों को कोट कर लेंगे, मसाले अच्छे से चिपक जाएं। इतने अच्छे से आपको इसको मिक्स करना है, ऊपर से नीचे से अच्छे से मिक्स हो जाएं मसाले, अच्छे से कोट हो जाएं। और हाँ, हम इसमें अभी नमक नहीं डालेंगे। फिर थोड़ी सी भिंडी को हम अलग करेंगे और उसमें डालेंगे नींबू का रस और नमक और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नमक मिल जाए। अब हम इधर तेल गरम करेंगे। तेल आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे सरसों का तेल ले लें, चाहे तो रिफाइंड ऑयल ले लें जो आप खाते हों। और तेल को हम हाई फ्लेम पे गरम करेंगे और एक भिंडी डाल के चेक करेंगे। और भिंडी को हमें हाई फ्लेम पे ही डालना है ताकि भिंडी आपस में चिपके ना। तेल गरम हो गया, अब हम इस पर भिंडी को डालेंगे और 2 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे। गैस को धीमा नहीं करेंगे। दो मिनट तक हम हाई फ्लेम पे ही अच्छे से इसको चला के अलट पलट के फ्राई कर लेंगे। और जब हमारी भिंडी थोड़ी ब्राउन हो जाए फिर उसके बाद हम गैस को थोड़ा सा धीमा कर देंगे, मीडियम हाई फ्लेम पे,
देखिए कितनी टेस्टी और क्रंची लग रही है। लगभग ये पक चुकी है। अब हम इसको टिश्यू पेपर पर निकालेंगे। बहुत ही क्रंची बनी है। इसको हम चाय के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, या पराठे के साथ, या दाल चावल के साथ, आप जैसे भी। और दोबारा जब हम भिंडी को डालेंगे तो हाई फ्लेम ही रखेंगे, और फिर हम दोबारा इसी तरीके से भिंडी को डाल के पकाएंगे। भिंडी हमारी पक चुकी है। बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। अब दूसरे राउंड का भी हम निकाल लेंगे। आप जितनी बार भी, जितना भी बनाना चाहते हैं, लेकिन डालते समय फ्लेम हाई रखें। अब हम इसको निकाल लेंगे और चलते हैं सर्व करने। देखिए कितनी क्रंची बनी है। आप इसको किसी भी तरीके से खा सकते हैं। इस पर चाट मसाला हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे, उसके बाद देखिए हमारी कुरकुरी भिंडी तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।